إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. याद करो जब अल्लाह ने सुकून देने के लिए तुम पर हल्की सी नींद को तारी कर दिया अपनी तरफ से और आसमान से तुम पर पानी उतारा ताकि उससे वो तुम्हें पाक करे और शैतानी वसवसा की नापाकी तुमसे दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उसकी वजह से तुम्हारे पांव जमा दे. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں तो ईमान वालों को तुम साबित कदम रखो. अन करीब मैं काफरों के दिलों में हैबत डाल दूंगा तो काफरों की गर्दनों के ऊपर मारो और काफरों के हर जोड़ पर जर्ब लगाओ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. तुम्हारी सजा ये है कि इसे चखो. इसके साथ ये भी जान लो कि काफिरों के लिए दोजख का अजाब है. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. और जो उस दिन उनसे पीठ फेरेगा मगर ये के चाल चलता हो लड़ाई की या मिलना चाहता हो अपनी जमात से तो बेशक वो अल्लाह का गजब लेकर फिरा और उसका ठिकाना दोजख है और वो क्या ही बुरा ठिकाना है. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا और ऐ महबूब आपने खाक नहीं फेंकी जिस वक्त आपने फेंकी लेकिन अल्लाह ने फेंकी और ताकि अता फरमाए ईमान वालों को अपनी तरफ से अताए जमील. बेशक अल्लाह है बहुत सुनने वाला सब कुछ जानने वाला. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. ये तो हो चुका और ये भी है कि अल्लाह काफरों के मकर को कमजोर करने वाला है. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أي كافرو अगर तुम फैसला चाहते हो तो फैसला तुम्हारे पास आ चुका और अगर बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है
और अगर तुम शरारत की तरफ लौटे तो हम फिर तुम्हें सजा देंगे और तुम्हारा गिरोह तुम्हारे कुछ काम ना आएगा अगरचे वो बहुत हो। और ये कि अल्लाह ईमान वालों के साथ है।